दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जो अपने रोमांच और एडवेंचर एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है। इनमें से कुछ तो इतनी रोमांच होती है कि लोग इन्हें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक पुल के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रोमांच अनुभव के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस पुल पर सफ़र करना किसी खतरे से खाली नहीं है, मगर फिर भी लोग इस अनुभव को महसूस करने यहाँ ज़रूर जाते हैं। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके अभी अमेजिंग हब को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, दुनिया के सबसे खतरनाक पुल की बात करें तो वो पेरू देश में बना हुआ है। रस्सी के सहारे बना ये पुल कुजको गांव को पेरू से जोड़ता है। इस पुल को बनाने के लिए आदिवासियों ने पारंपरिक तरीकों को अपनाया है। जंगली घास की रस्सी पर बने इस पुल की ब्रिज 120 फीट लंबा है। खास बात यह है कि इस ब्रिज को लगभग हर साल बनाया जाता है। हवा में झूलते हुए इस पुल ने 5 साल से गांव को पेरू शहर से जोड़ कर रखा है। जब ब्रिज बन जाता है तो लोग इसके लिए जश्न मनाते हैं। इसे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक ब्रिज में से एक माना जाता है। साल 2013 में इस ब्रिज को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। नंबर टू, आप सब ने ज़रूर सुना होगा इस पुल के बारे में, जिसका नाम है ग्लास ब्रिज चाइना का। चीन में हवाई प्रांत के सिजवा जुआंग शहर में ज़मीन से 2018 मीटर ऊपर कांच का खतरनाक पुल बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे लंबा शीशे का पुल बताया जा रहा है। दो चट्टानों के बीच लटके इस पुल की चौड़ाई 2 मीटर है। इसमें करीब 1077 पारदर्शी शीशे लगे हैं जो 4 सेंटीमीटर मोटे हैं। शीशे का कुल वजन करीब 70,000 किलो है। इस पुल को जानबूझकर थोड़ा घुमावदार बनाया गया है ताकि लोगों को इस पर चलने में डर लगे। ये दुनिया के खतरनाक पुलों में से एक माना जा रहा है। हालांकि इस पर एक बार में 2000 लोगों का भार उठाने की क्षमता है, पर सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल एक बार में केवल 500 लोग ही इस पर चल पाएंगे। नंबर थ्री, हुसैनी हैंगिंग ब्रिज पाकिस्तान। पाकिस्तान में बना ये रस्सियों का झूलता हुआ पुल एशिया का सबसे खतरनाक हैंगिंग ब्रिज माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुल में लगी रस्सियाँ और लकड़ी 2011 के मानसून में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अगर आप फिर भी इस पुल को पार करके जाना चाहते हैं तो अपना दिल मजबूत रखिएगा और रस्सियों को कस कर पकड़िएगा, वरना इस पुल पर चलते हुए जब ये तेज़ हवा में हिलता है तो पकड़ ढीले होते ही आपको उछाल कर पथरीली चट्टानों पर फेंक सकता है। नंबर फोर, इशिमा ओहासी ब्रिज जापान। वेस्टर्न जापान में स्थित इशिमा ओहासी ब्रिज सड़क से ज़्यादा एक रोलर कोस्टर की तरह दिखता है। इस ब्रिज पर ड्राइविंग करना सीरियसली एक रोमांचकारी कार की सवारी करने जैसा ही प्रेरित होता है। ये ब्रिज कंक्रीट से बना 2-लेन ब्रिज है। इस ब्रिज पर सीधी खड़ी चढ़ाई की वजह से ये सबसे बहादुर ड्राइवर्स के दिलों में भी डर भर देता है। सीधी खड़ी चढ़ाई के बाद खड़ी ढलान की वजह यह है कि ये बड़े शिप्स को इसके नीचे से गुजारने की इजाज़त देता है। नंबर फाइव, कौंदिस्की ब्रिज रसिया। रिवर भीतिंग पर कौंदिस्की ब्रिज रसिया के ट्रांसबैकल क्षेत्र में एक बहुत ही डेंजरस ब्रिज है। इस खतरनाक ब्रिज की चौड़ाई कार के व्हील बेस से ज़्यादा लंबी नहीं है, और तो और इस ब्रिज के किनारों पर कोई रेलिंग भी नहीं है। तेज चलती हवाओं गाड़ी को बर्फ से जमी नदी में धकेल देने की धमकी देती है। नंबर सिक्स, कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज कनाडा। इसे पुराने ब्रिज की लिस्ट में भी रखा जा सकता है। इस ब्रिज का निर्माण सन 1889 में कनाडा में किया गया था। नदी को पार करने के लिए बनाए गए इस पुल की ऊंचाई 230 फुट और 460 फुट लंबी है। इसे पार करने में सबसे ज़्यादा रोमांच तब आता है जब पुल के सहारे आप जंगलों के बीच होकर आप निकलते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे खतरनाक पुल के बारे में। दोस्तों, हमारे दिए गए जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा हो। अगले वीडियो कौन से चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आप
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए इस चैनल से। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।